मैं आपको इतने ही कहता हूँ कि हम लोग जीतने जा रहे हैं, गठबंधन जीतेगा। यूपी में उपचुनाव की चर्चा जोरों पर है और 10 में से एक हाई प्रोफाइल कानपुर की सीसामऊ सीट की चर्चा तो और ही कुछ है। अमेठी से सांसद और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पर्यवेक्षक किशोरी राज शर्मा कानपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि हाईकमान फैसला लेगा कि यहां पर सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा या कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ेगी। गठबंधन का प्रत्याशी हो या कांग्रेस का प्रत्याशी, सीसामऊ में कांग्रेस जोरदारी से चुनाव लड़ेगी। मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि हम लोग जीतने जा रहे हैं। हरियाणा की जम्मू कश्मीर दोनों गठबंधन जीतेगा। जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 का मुद्दा जनता उसके साथ, अभी आप देखिएगा जनता फैसला देगी उसके ऊपर, बोलना उचित नहीं, अभी जनता फैसला देगी। हरियाणा में जिस तरह से विनेश फोगाट बाकी लोगों को कांग्रेस पार्टी ले रही है, कितनी मजबूती के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के साथ? कांग्रेस उन महिलाओं को सम्मान दे रही है जिनसे साथ जाती हुई, वो देश का गौरव है वो लड़की, ठीक है, ये मैं कहना चाहूंगा। आप चुनाव के लिए भी प्रभारी बनाए गए सीसामऊ विधानसभा में जी जी, आपको क्या लगता है जो गठबंधन है किस तरह से, अभी आपने अपने स्पीच में कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गठबंधन और अकेले भी लड़ने के लिए तैयार है? हाँ, दोनों परिस्थितियों मैंने बोला, क्योंकि गठबंधन तो हाईकमान का निर्णय है, क्योंकि हम लोग ये सोच के बैठे रहे कि क्या होना है, क्योंकि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता तो बैठेगा फैसला लेगा, तो हम कार्यकर्ताओं को अगर हम लोग तैयार कर, अगर मान लो हमको नहीं मिली उनको मिलती है तो हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, अगर मान लो अलायंस में हमको आ जाती है उनके कार्यकर्ता हमारा मदद करेंगे, तो क्योंकि पीछे गठबंधन का जो स्वरूप था वो सफल रहा, तो इसलिए हम चाहेंगे कि सांप्रदायिक ताकतों को मतलब रोकने के लिए ये होना चाहिए। सीसामऊ सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 2007 में इरफान सोलंकी आर्य नगर सीट से जीते थे। 2022 में परिसीमन के बाद इस सीट का नाम बदल के सीसामऊ कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे पर इरफान तब भी खड़े उतरे। 2017 की प्रचंड मोदी लहर में भी इरफान सोलंकी ने बीजेपी के सुरेश अवस्थी को हरा दिया था। 2022 के चुनावों में एक वक्त इरफान सोलंकी कमजोर लग रहे थे, लेकिन जबरदस्त ध्रुवीकरण के बीच इरफान 12,000 मतों से सलिल बिश्नोई को हराने में कामयाब रहे। इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद पहली बार इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही जोर आजमाइश में जुटे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। भैया लोग हैं, हमारे शरीर